वो आपको सेशन देख के समझ में आएगा. सो बी पेशेंट, प्लीज़ वॉच दिस सेशन टिल द एंड. इसमें जो सेंटेंसेस यूज़ होंगे ना, इनको आप अपने डेली कॉन्वर्जेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं. सो मेक श्योर पूरा देखना है. मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ. वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन उसको आपको रिपीट करना है. देखिए यूजुअली क्या लगता है, लोग देखते समय ऐसा लगता है मुझे समझ में आ गया. देखिए समझ तो आपको ऑलरेडी आया हुआ है, आप बोलना चाहते हैं. देन दो ही चीज़ें आपको करनी है, लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट. रिपीट करोगे ना, बोलोगे तो आपको सेंटेंसेस का साउंड याद हो जाएगा. और ग्रामर तो छोटी सी चीज़ है, जब आप मेरे 5-7 सेंटेंसेस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घुमा फिरा के वही ग्रामर है, उसकी आपको ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी. तो ग्रामर अलग से सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. सेशंस को देखते जाइए, सेंटेंसेस को रिपीट करते जाइए. ठीक है, तो आज हम एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे कवर करेंगे. एक बंदे ने किसी अकाउंट में गलत पैसे ट्रांसफर कर दिए और अब दो दोस्तों के बीच में डिस्कशन चल रहा है अब क्या किया जाए. तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं. सपोज आपको ये किसी से कहना पड़े इंग्लिश में कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश. जो भी दिखता है पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आंसर लिखता हूँ. मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो सिंपल है आई हैव. मैंने कुछ काम करा है तो आई हैव सेंट. थर्ड फॉर्म लगता है हैव के साथ में, आई हैव सेंट. मैं भेज चुका हूँ, भेज दिए हैं. और क्या भेजा है मैंने, आई हैव सेंट द मनी इन योर अकाउंट. आई हैव सेंट द मनी इन योर अकाउंट. आई हैव सेंट द मनी इन योर अकाउंट. आपके अकाउंट में मैंने पैसे भेज दिए हैं. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अपना अकाउंट चेक करके बताओ पैसे आए या नहीं. अब इन चीज़ों को अगर हम लिटरली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने बैठ जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी. पता होना चाहिए ऐसी चीज़ बोलनी कैसे है. फिर इसके आधार पर, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर 2-3 सेंटेंसेज आपसे और बनवाता हूँ मैं. आपको समझ आ जाएगा ग्रामर का रोल नहीं है. अपना अकाउंट चेक करके बताओ पैसे आए या नहीं. अपना अकाउंट चेक करके बताओ, यानी कि अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किसी दूसरे तरीके से स्टार्ट हो रहा है. चेक योर अकाउंट, पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से होगा. यहीं से स्टार्ट होगा तब पूरा फीलिंग पहुंच पाएगी और सेंटेंस नेचुरल साउंड करेगा, करेक्ट साउंड करेगा. चेक योर अकाउंट एंड टेल मी इफ यू गॉट द मनी और नॉट. चेक योर अकाउंट एंड टेल मी इफ यू गॉट द मनी और नॉट. जब भी हमें ऐसी चीज पूछनी है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, तो इफ के साथ हम स्टार्ट करते हैं. इफ के साथ, जैसे कि पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा. आई डोंट नो इफ ही वुड कम और नॉट. पता नहीं तुम समझ रहे हो या नहीं. आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. गेटिंग माई पॉइंट. जब भी ऐसी सिचुएशन बतानी है कि अंदाजा लगा रहे हैं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो वो सेंटेंस इफ के साथ स्टार्ट होता है. राइट, सपोज आपको किसी को समझाना हो, पता नहीं मेरे बैग में पैसे हैं या नहीं है. आई डोंट नो इफ द मनी इज देयर इन माई बैग और नॉट. I don't know if the money is there in my bag or not. All right? तो इस तरीके से structures आपको समझने होते हैं. Now, the next sentence is, ये बहुत काम का sentence है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा. मेरे account में कोई पैसे नहीं आए हैं. I have not got any money in my अकाउंट. कुछ भी नहीं हुआ है तो आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन माई अकाउंट. अब देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा. मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए हैं. आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन माई अकाउंट. अब ये हैव नॉट जो है ना, एक्चुअल में इसको बार बार नहीं बोलेंगे. जब आपका थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा तो आप शॉर्ट करते चले जाएंगे. इसको ऐसे ही बोला जाता है. आई हैवंट, हैव नॉट को आई हैवंट. ही हैज नॉट को हैजंट. हैड नॉट को हैडंट. तो आई हैवंट गॉट एनी मनी इन माई अकाउंट. मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए हैं. आई हैवंट गॉट एनी मनी इन माई अकाउंट. आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस विद मी. मेरे साथ बोलिए इस सेंटेंस को. एंड नाउ यू प्लीज़ लिसन टू मी फॉर 30 seconds. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन है रेड कलर का, सब्सक्राइब कर लीजिए. और मुझे चाहिए क्या आपसे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अंग्रेज़ी बोलने लगे. इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी. तो सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं. मैं रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूँ दिन में 12:30 बजे, जिसको देख करके आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, कैसी सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस बोला जाता है.
प्रैक्टिस हो जाएगी, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, ग्रामर, जितनी भी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। दूसरा फ़ायदा यह है, रात को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन होता है इसी चैनल पर रोज़ 9:30 बजे। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे लाइव सेशन में, लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। तो वहाँ पर जब आप डाउट्स, दूसरों के क्वेश्चंस सुनोगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में एंड एनालाइज करने में, दैट व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश एंड वेयर यू नीड टू वर्क, आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है और आप कहाँ स्टैंड बाय करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एक छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। लेट्स गेट बैक टू द सेंटेंसेज अगेन। दोबारा आप सेंटेंसेस पर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए होंगे। अब देखिए यहां पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, शायद आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो हिंदी का भी नहीं किया जा सकता, अंदाजा लगा रहे हैं, राइट? आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए होंगे। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? इस चीज को ऐसे बोला जाता है, यू मस्ट हैव। अंदाज़ा लगाने के टाइम, जब मैं श्योर हूँ अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपने ऐसे ही करा है, तो यू मस्ट हैव, आपने क्या कर दिया होगा, यू मस्ट हैव सेंट द मनी इन एनी रॉन्ग अकाउंट। अब देख, पता होना चाहिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसके आधार पे 2-3 और बनाएंगे फिर हम। यू मस्ट हैव यानी कि ज़रूर आपने कुछ ऐसा किया है, जैसे कि यू मस्ट हैव सेंट द मनी इन एनी रॉन्ग अकाउंट, किसी गलत अकाउंट में आपने पैसे भेज दिए शायद। जैसे कि हमें अंदाज़ा लगाना है, मुझे लगता है तुम ज़रूर विशाल के भाई हो, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तुम ज़रूर विशाल के भाई हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी विशाल्स ब्रदर, यू मस्ट बी विशाल्स ब्रदर। गेटिंग माई पॉइंट? कि इस तरीके से मस्ट हैव, मस्ट बी, तो ये चीज़ है सीखने की, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के बाद क्या वर्ड लगेगा, और वर्ड्स का ही खेल है सारा का सारा, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, मतलब बंदा कह रहा है कि मुझे लगता है तुमने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, दूसरा कह रहा है मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, तो सिंपल है, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ, व्हाट कैन बी डन नाउ, अब क्या किया जा सकता है, ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ, जैसे क्या खाया जा सकता है, व्हाट कैन बी ईटन, कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है, क्या खाया जा सकता है, व्हाट कैन बी ईटन, क्या बोला जा सकता है, व्हाट कैन बी स्पोकन, थर्ड फॉर्म आती है ऐसी कंडीशन में, क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ, ये डू का थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है यहाँ पर, व्हाट कैन बी डन नाउ, अब क्या किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जितना जल्दी हो सके बैंक जाओ और सारी बात मैनेजर को बता दो, पैसे गलत अकाउंट में चले गए हैं, जितना जल्दी हो सके बैंक जाओ और सारी बात मैनेजर को बता दो। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जितना जल्दी से थोड़ी, यहाँ से थोड़ी ना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, सिचुएशन पकड़ लिया आपने, सिचुएशन क्या है, अब इसको इंग्लिश में बताना है, जितना जल्दी हो सके बैंक जाओ, तो यहाँ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, गो टू द बैंक एज सून एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके बैंक जाओ, गो टू द बैंक एज सून एज यू कैन एंड टेल एवरीथिंग, सब कुछ बता दो, एंड टेल एवरीथिंग किसको, टू द मैनेजर। इस पूरे सेंटेंस को आप बोलिए मेरे साथ में, 2-3 बार रिपीट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली इसका ग्रामर समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। गो टू द बैंक एज सून एज यू कैन एंड टेल एवरीथिंग टू द मैनेजर, हर चीज मैनेजर को बता दो। ऑलराइट, आप कौन से स्टेट से मेरे सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। राइट योर स्टेट नेम राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, राइट बिलो यानी बिल्कुल नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस मैटर में केवल वही आपकी मदद कर सकते हैं, यानी मैनेजर को बता दो जाके, इस मैटर में केवल वही आपकी मदद कर सकते हैं। इस सिचुएशन को कैसे बताएं, केवल वही बंदा काम कर सकता है ऐसा, सो ही इज द ओनली वन, वही अकेला है, वही कर सकता है इस काम को, वही अकेला, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोलना कैसे, ही इज द ओनली वन हु कैन
help you in this matter. He is the only one who can help you in this matter. He is the only one. वही अकेला है जो मदद कर सकता है. Who can help you in this matter? इस matter में वही आपकी मदद कर सकता है. Now, the next sentence is, लेकिन बैंक तो मेरे घर से बहुत दूर है. तो सिंपल है, बट द बैंक इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस. द बैंक इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस. द बैंक इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस. अब दूसरा दोस्त पूछ रहा है कितना दूर है, हाउ फार इज दैट. कितना दूर है, हाउ फार इज दैट. दूसरा दोस्त बता रहा है लगभग 15 किलोमीटर है. इट्स अराउंड. अराउंड मतलब लगभग के लिए इस्तेमाल हुआ है. इट्स अराउंड 15 किलोमीटर्स. इट्स अराउंड 50 किलोमीटर्स. लगभग 15 किलोमीटर दूर है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, घबराओ मत हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं. घबराओ मत हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं. तो सिंपल है, डोंट पैनिक, यानी घबराओ मत, डोंट पैनिक. वी हैव ऑल, यहां पर पूरे के लिए इस्तेमाल हुआ है ऑल. हमारे पास पूरे हैं. वी हैव ऑल 24 आवर्स. डोंट पैनिक, वी हैव ऑल 24 आवर्स. हमारे पास अब भी 24 घंटे हैं, तो यहां पर वी स्टिल हैव, यहां पर स्टिल लगा देते हैं. वी स्टिल हैव तो ऑल नहीं आएगा. डोंट पैनिक, वी स्टिल हैव 24 आवर्स. हमारे पास अब भी 24 घंटे हैं. स्टिल मतलब अब भी है कोई चीज. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि इंडिया में एक कानून है. अब जब हमें बताना है किसी चीज का एग्जिस्टेंस, तो कैसे, देयर इज से स्टार्ट होता है. क्योंकि के लिए लिख देते हैं बिकॉज. बिकॉज देयर इज ए लॉ इन इंडिया. इंडिया में एक कानून है. देयर इज ए लॉ इन इंडिया. जैसे कि अगर कोई भी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, कॉलेज है, देयर इज अ कॉलेज, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक कानून है, देयर इज अ लॉ. कहां पर है, इन इंडिया. देयर इज अ लॉ इन इंडिया. इंडिया में एक कानून है, और वो क्या कानून है, ये आपके काम का भी है. अगर आप गलती से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो सिंपल है, इफ यू एक्सीडेंटली, यानी गलती से ट्रांसफर मनी इन एनी अकाउंट. अगर आप गलती से, इफ यू एक्सीडेंटली ट्रांसफर मनी इन एनी अकाउंट, अगर आप गलती से किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, इफ यू एक्सीडेंटली ट्रांसफर मनी इन एनी अकाउंट, तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, आप अपनी होम ब्रांच में 24 घंटे के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं. आप अपने होम ब्रांच में 24 घंटे के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो सिंपल है, यू कैन गिव एप्लीकेशन, आप दे सकते हैं. यू कैन गिव एप्लीकेशन कहां पर, इन योर होम ब्रांच. यू कैन गिव एप्लीकेशन इन योर होम ब्रांच. विद इन मतलब अंदर, अंदर, विद इन 24 hours. You can give application in your home branch within 24 hours. अगर आप accidentally किसी account में गलती से पैसे transfer हो जाते हैं UPI से या कैसे भी, तो आप 24 घंटे के अंदर bank में जा करके revert के लिए application दे सकते हैं. So you can give application in your home branch within 24 hours. और आपके पैसे, और आपके पैसे वापस मिल सकते हैं. And your money can be, क्या हो सकता है, can be returned. थर्ड फॉर्म है ये, your money can be returned. आपका पैसा वापस हो सकता है. your money can be returned. I hope कि कुछ इसमें से sentences आपको काम के लगे होंगे. How was your experience about this session? Please let me know in the comment section. और जब भी कोई doubt आपको, कोई भी clear question आता है, देखिए, I'm your English friend. जब भी आप इंग्लिश सोच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अचानक से माइंड में कोई भी सेंटेंस आता है, मेरे किसी भी वीडियो पर आप हिंदी लिखो, उसका ट्रांसलेशन जो आपने बनाया है वो लिखो, और साथ में कमेंट कर दो कि इज़ दिस सेंटेंस करेक्ट.
आपको तुरंत 5-7 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, और जब एट ए टाइम आपको आंसर मिलेगा ना, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा 9:30 बजे लाइव सेशन में। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।